25वीं जिला स्तरीय प्राथमिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ राजकीय प्राथमिक पाठशाला अमरोह में हुआ, जिसका शुभारंभ हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के प्रदेश समन्वय नवीन शर्मा ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के उपरांत उपस्थित शिक्षकों व विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश व समाज के निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका है। शिक्षकों से ये आग्रह किया कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अच्छे संस्कार देने का काम करें। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि खेलों का जीवन में अपना महत्व है। प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में अवश्य भाग लेना चाहिए, ताकि उनका शरीर फिट रहे, नशों से दूर रहे और शारीरिक व मानसिक रूप से सुदृढ़ हो। नवीन शर्मा ने अपने संबोधन में इस बात पर भी चिंता जताई कि आज सरकारी स्कूलों में लगातार विद्यार्थियों की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जयराम सरकार इस विषय को लेकर गंभीर है और इसी कारण से सरकार ने पिछले साल से स्कूल के अंदर प्री नर्सरी क्लास शुरू की है, जिसके कारण गत वर्ष में सरकारी स्कूलों में 48,000 विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से संबंधित सेवा सप्ताह के तहत बरोहा गांव में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई की। अजय शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन कार्यक्रम को सेवा सप्ताह के रूप में भाजपा आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में पूरे देश में भाजपा व युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर, फल वितरण व अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आगामी दिनों भी इस तरह के सामाजिक कार्य किए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि देश के गरीब बच्चों की किसी माध्यम से सहायता हो जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक काफी अच्छी पहल है। सुजानपुर के कक्कड़ पंचायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह को मनाते हुए स्वास्थ्य सेवा कैंप का आयोजन किया गया। सेवा सप्ताह का उद्देश्य लोगों में सेवा भावना को जगाना है। कार्यक्रम में प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। धूमल ने लोगों को प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा लेने के लिए कहा और केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि आज सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा चलाई गई सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की वजह से घर घर जाकर लोगों का निशुल्क इलाज किया जा रहा है, जिसमें लगभग 40 तरह के ब्लड टेस्ट और साथ ही साथ मरीजों को निशुल्क दवाइयां भी प्रदान की जा रही हैं। कार्यक्रम में मंडल के अध्यक्ष कैप्टन रंजीत सिंह, महामंत्री अनिल शर्मा, मीडिया प्रभारी विनोद ठाकुर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुमन चौहान, वीरेंद्र ठाकुर, कक्कड़ पंचायत प्रधान ज्योति ठाकुर, पूर्व महामंत्री वीरेंद्र ठाकुर, मंडल सचिव इंस्पेक्टर प्यारे चंद, ग्राम केंद्र अध्यक्ष कृष्ण देव, पूर्व प्रधान साधुराम, पूर्व प्रधान दिनेश कुमार, उप प्रधान भगवान सिंह, बूथ अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर व भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बिलासपुर जिला के घुमारवीं उपमंडल में पड़ने वाले कोटी टोपका गांव में एक महीना पहले एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर सरकार से उच्च स्तरीय जांच की गुहार लगाई गई है। बिलासपुर में मीडिया को अपनी व्यथा बताते हुए मृतक की वृद्ध माता ने आरोप लगाया है कि उनके पुत्र की मौत को पुलिस की मिलीभगत से सांप के काटने का रूप दे दिया गया है, जबकि उसकी हत्या की गई है। महिला ने बताया कि सारा षड्यंत्र उसकी बहू के द्वारा रचा गया है और पुलिस ने तथ्यों के विपरीत उसी से मिलकर उसे निर्दोष बताया है।
महिला ने सरकार से गुहार लगाई है कि इस मामले में दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। दुखियारी मां के साथ आई गांव की दर्जनों महिलाओं ने भी मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आपको बता दें कि मामले को लेकर पहले भी जिलाधीश कार्यालय के बाहर ग्रामीण अपना रोष व्यक्त कर चुके हैं। और क्या चंद जो पुलिस में पुलिस कार्रवाई करे हां जी पुलिस कार्रवाई कर के जाओ समझते हैं जी बस चोपर मत आई के जानते खाते आहे जनाना डा भी बोलले भाई तुम्हारी वर्दियां है देख लिया वर्दियां जी आए तुम्हें कने भाई और तुम कोई भी लिया के नहीं इतना बोली तरह से जी पुलिस वाले इस तदा दे तुम दसो क्या बात बोल सकता है बोलना के बोलिए तुम आते हो रे तुम